आबादी पार्टी आज सामूहिक उपवास रख रही है, क्या रूपरेखा रहेगी बताने के लिए मुख्यमंत्री आदित्य हमारे साथ, क्या रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग आके जंतर मंतर पर, पूरे देश में अलग अलग राजधानियों पर और दुनिया में अलग अलग शहरों पर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ उपवास हो रहा है। आज पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। कल अपने ही इलाके में मैं गई तो अलग अलग एरिया में लोग रोक रोक के पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी कब आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कब आ रहे हैं। तो आज पूरी दिल्ली, पूरा देश अपनी बात को दुनिया के सामने रखना चाहता है, अपनी नाराजगी दुनिया के सामने रखना चाहता है और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध दुनिया के सामने रखना चाहता है। हमने देखा 31 तारीख को पूरा विपक्ष एक साथ जुटा था अरविंद केजरीवाल जी के लिए, क्या आज ये तस्वीरें देख सकते हैं? नहीं, आज ये आम आदमी पार्टी का उपवास है और आम आदमी पार्टी के समर्थकों का उपवास है। तो आज यहाँ पे हमारे सारे पार्षद, हमारे सारे विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता सब लोग आज यहाँ पे मौजूद रहे। अब जब संजय जी बाहर आ गए हैं, क्या लग रहा है दूसरों के लिए रास्ता खुल गया है? देखिए, संजय जी की जो बेल हुई है ये सत्य की एक विजय है। पिछले 2 साल से जांच के बाद भी 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सुबूत भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई को नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी से पूछा कि कहाँ है मनी ट्रेल, तो ईडी के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसी कारण से संजय सिंह जी को बेल मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से बाकी सबको भी जवाब बेल मिलेगी। आज आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपके विरोध में बीजेपी भी अनशन कर रही है, मतलब प्रदर्शन कर रही है। देखिए, उनका स्वागत है, वो जो करना चाहे करें, लेकिन दिल्ली की जनता और देश की जनता अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का उनको तोड़ जवाब देगी। अगला कदम क्या होगा, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी के खिलाफ रोष है उस वजह से यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। और जैसे कि संजय जी ने कहा था अपने भाषण में, दिल्ली के लोग और देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का जवाब अपने वोट से देंगे। देखिए, तो यहाँ पर आपने देखा आतिशी तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हैं और यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार के खिलाफ उपवास किया जा रहा है।